शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की, जिसमें 9 तस्करों को 2 किलो अफीम, 10 पुड़िया स्मैक सहित 4 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों में एक दिव्यांग तस्कर के साथ ही एक महिला तस्कर भी शामिल है, जिन्हें पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने जानकारी दी कि जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें तिलहर क्षेत्र में प्रभारी दीपक शुक्ला और उनकी टीम ने 50 लाख रुपए कीमत की 250 ग्राम स्मैक के साथ 3 मादक पदार्थ तस्करों को भी गिरफ्तार किया। थाना कार्ड में 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनके कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद हुई है और इसमें 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त थाना तिलहर क्षेत्र में 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50 लाख रुपए है और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसके अतिरिक्त 2 अभियुक्त और गिरफ्तार की गई, जिनके कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद हुई है और इस प्रकार कुल जनपद में कल 9 मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं और जिनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, 1 स्कूटी और कुल मिलाकर 2 किलो अफीम और 250 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इस कार्रवाई के लिए दोनों थाना क्षेत्रों के प्रभारियों को और उस टीम को पुरस्कृत किया जाए।